हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। 1³ इज इक्वल टू 1² 1³ प्लस 2³ इज इक्वल टू 1+2 होल स्क्वायर। 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ इज इक्वल टू 1+2+3 होल स्क्वायर। Write the next 3 rows and calculate the value of 1³ plus 2³ plus 3³ plus up to 9³ by the above pattern। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है जो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। तो चलिए हम इस सबको फिर से हम लिख देते हैं एक बार और आपको बता देते हैं कि ये पैटर्न का मतलब क्या है। उसके बाद जो है नेक्स्ट 3 रोज लिखना है इसी के आगे, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है इवेल्युएट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास जो पैटर्न है वो ये है कि यदि हम 1 का क्यूब करते हैं तो वो वही आएगा जो हम 1 का यदि स्क्वायर करें तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब ठीक है 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो वही आएगा ना जो 1 का स्क्वायर होगा। तो दिस इज करेक्ट, वी नो दिस। लेकिन आगे से कुछ और भी खुलासा होगा, क्लियर होगा कि मतलब एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है 1³ प्लस 2³ इज इक्वल टू। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि हम 1 का क्यूब करें और 2 का क्यूब करें तो यह इन दोनों का रिजल्ट जो है वही आएगा जब हम 1 और 2 को हम ऐड कर लें पहले। ठीक है, पहले हम 1 और 2 क्या करें, ऐड कर लें, उसके बाद हम स्क्वायर निकालें। मीन्स ये हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीन्स 9। देखिए यहाँ पर यदि 1 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8। 1 प्लस 8 कितना होता है, 9 होता है। तो बिल्कुल ही यहाँ पर एग्जैक्टली जो है इक्वल हमारा आ रहा है। तो ऐसे ही हम समझते चलेंगे आगे की तरफ। चलिए थर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर 1³ इज इक्वल टू, देखिए 1 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, मतलब कि नेचुरल नंबर्स को यदि हम क्यूब करके ऐड कर दें तो उसका रिजल्ट वही आएगा जब हम नेचुरल नंबर्स को केवल सिंपली ऐड कर दें जहाँ तक हमने क्यूब किया था। पहले ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर कर दें तो वही रिजल्ट देगा जो क्यूब करने पर मिलेगा। सबको अलग अलग क्यूब करके ऐड किया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, पहले ऐड करके जो रिजल्टेंट आया है उसका स्क्वायर किया गया है तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आती है। तो कितना ये यूजफुल फार्मूला है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, 2³ हो जाएगा, 3³ हो जाएगा एंड 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 6 36। ओके, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू भी 36 आती है क्या। तो 1 प्लस 2 2 4 2 8, 3 3 9, 3 27 ऐड कर लीजिए। देखिए 8 1 9 एंड 27 9 कितना होता है 36, तो इसकी वैल्यू भी कितना आ गई 36। तो कहने का मतलब कि दिस इज अ वेरी यूजफुल पैटर्न। ओके, तो इसके जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो इसके आगे वाले स्टेप्स हैं 1³। देखिए हम यदि 4 तक अलग अलग नेचुरल नंबर्स को क्यूब करके ऐड करते हैं तो वो रिजल्ट वही देगा जब हम 4 तक नेचुरल नंबर्स को सिंपली ऐड कर दें पहले और जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर आएगा क्या रिजल्ट, देखिए 2 1 3 3 3 6 एंड 6 एंड 4 10, 10 का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 100। यहाँ भी यदि हम क्यूब करेंगे ना और ऐड करेंगे तो बिल्कुल 100 आएगा। तो लेट अस चेक, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 4 का क्यूब होगा 4 4 16 16 4 64। देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ तक ऐड करेंगे तो मिलेगा 36, है ना, अभी ऐड किए थे तो 36 प्लस 64 यदि इनको ऐड करेंगे तो देखिए 6 4 0 6 3 9 1 10 100। तो बिल्कुल यहाँ पर भी 100 आ चुका है। नेक्स्ट पैटर्न लिखते हैं 1³। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस
और यहाँ पर ऐड करके यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ तक तो 10 आ गया था, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आया था, 10 आया था, यहाँ तक 10 हो गया, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 225 आएगा। ओके, तो क्या यहाँ पर क्यूब करने पर भी इतना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 + ये हो जाएगा 8 + ये हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब होता है 64 + 64 + देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब होगा 125। देखिए यहाँ तक हमने ऐड किया था जब, तो आया था कितना, 100 आया था, यहाँ पर लिख सकते हैं 100 + 125 और इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 100 + 125 225, राइट। तो बिल्कुल देखिए एग्जैक्टली वही मैच कर रहा है। ओके, यदि हम 6 तक नेचुरल नंबर्स को अलग अलग क्यूब करके ऐड करेंगे तो वही आएगा रिजल्ट जब हम उन 6 नेचुरल नंबर्स को पहले ऐड कर लें और जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ 1 से लेकर के 5 तक ऐड करने पर आता है 15, 15 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। अब यहाँ देखना है कि इन सब के क्यूब का सम भी 441 आता है या नहीं, तो ऐड कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ तक हमने ऐड किया था ऊपर तो आया था कितना, यहाँ तक ऐड किया था 225 आया था, इतना 225 में यदि 216 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो बिल्कुल ही 441 और यहाँ भी 441 है, 441, तो डेफिनेटली ये पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो हमने 3 पैटर्न्स लिख लिए हैं, हमें यह लिखना था यहाँ पर पैटर्न, ठीक है, उसका रिजल्टेंट भी लिख लिया हमने। तो अब हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्यूब कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को 1 to 9, तो हमने यहाँ पे पैटर्न से ये फॉलो कर लिया कि हम यदि किसी नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर का अलग अलग क्यूब करते हैं, ठीक है, और जहाँ तक भी करते हैं उसमें से कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ये बात है। यहाँ पैटर्न में ये बोला है कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा नहीं किया है कहीं पर कि 1 और 2 को गैप कर दिया, 1 का क्यूब 3 का क्यूब + 4 का क्यूब 5 का क्यूब ऐसा ऐड किया हो, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ही फाइनल तक हम नेचुरल नंबर्स सारे के सारे लेंगे ही लेंगे और सबका क्यूब करके यदि ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली वही आएगा जब जब हम उन सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दें, पहले सिंपली ऐड कर दें, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर कर दें। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सबका क्यूब निकाल करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है बस। तो इसका सिंपली हम क्यूब करके ऐड कर दें तब भी हो जाएगा वैल्यू, लेकिन क्यूब करेंगे तो टफ लगेगा, मतलब हार्ड होगा, हमें क्या करना है कि इस फार्मूले से करना है। तो पहले क्या करिए कि सबको ऐड कर लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न वी कैन राइट 1 + 2 + हम ऐसे ऐड कर लेंगे 9 तक, उसको स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो अब यहाँ पर देखते हैं कितना ऐड करने पे 9 तक आता है, तो देखिए 213 336, यहाँ तक हो गया 6 6 4 10 10 5 15, 15 and 6 21 21 and 7 28 28 and 8 36 36 and 9 36 and 9 45, तो ये आ गया है 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 × 45 2025, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू है इसका 1 cube + 2 cube + 3 cube + 4 cube + 5 cube + 6 cube up to 9 cube, लाइकवाइज यदि ऐड करेंगे तो इतना वैल्यू आएगी 2025, मीन्स 2025, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे नेचुरल नंबर का क्यूब करके और ऐड करके दे दे 100 तक, मान लीजिए 100 तक, तो पहले क्या करिए उसको सिंपली ऐसे ऐड कर लीजिएगा जहाँ तक भी दिया रहेगा और जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, रिजल्ट वही देगा जो इसका क्यूब करके ऐड करने पे मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही आपको सिखा रहा है, बस इसी बात को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।